हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग की जो सवाल आ रही थी ज़्यादातर कि हम बहुत दिन से रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो सबके मन में उनकी सैलरी के बारे में, उनके पे स्किल्स के बारे में जानने की बहुत इच्छा कर रही थी, तो सोचा कि एक वीडियो ही क्यों ना बना दिया जाए इस विषय पर। तो मैंने ग्रुप डी के फर्स्ट सैलरी जो मिलता है ज्वाइनिंग के बाद वो कितनी होती है, उस पर मैंने वीडियो बनाया है। तो आप बने रहिए एक एक डाउट को क्लियर करने वालों, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि अगर मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया तो मेरे इन हैंड सैलरी आखिर आएगी कितनी। तो उसी पे मैं आज बनाने वाला हूँ, एक एक चीज़ आप लोग की डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो ये जो है एम्प्लॉय फर्स्ट सैलरी है, जो फर्स्ट सैलरी जो मिलती है उसके बाद बढ़ते रहता है, इंक्रीमेंट होते रहता है, डीए, मेडिकल अलाउंस वगैरह बढ़ते रहते हैं। लेकिन फर्स्ट जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो उसके सबसे फर्स्ट में जो इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये एक ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट है, जो कि ट्रैक मेंटेनर के पोस्ट के अदर ग्रुप डी के पोस्ट से कम 2 से 3 हज़ार इनकम ज़्यादा ही होते हैं। रिक्स अलाउंस इन लोग को ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए 2-3 हज़ार ट्रैक मेंटेनर को ज़्यादा ही मिलते हैं सबसे। हाँ, थोड़ा सा हार्ड वर्क है, लेकिन अगर सैलरी के हिसाब से देखा जाए तो ग्रुप डी का सबसे ज़्यादा सैलरी वाला पोस्ट ट्रैक मेंटेनर को ही माना जाता है। तो इसको देख लीजिए कि कब का ये सैलरी है, स्लिप है 1/8/2020 का, जो अगस्त से अगले साल ज्वाइनिंग शुरू ही हो गया था लगभग, किसी का लेट से हुआ था ज्वाइनिंग, किसी का 19 में ही ज्वाइनिंग हो गया था। तो जैसे जैसे ज्वाइनिंग होता गया वैसे वैसे आई, तो 1 अगस्त 2020 का सैलरी है वो मिला था आपको। देखिए ग्रुप डी में जो मिलता है 31 डेज का सैलरी मिलता है, खासकर ट्रैक मेंटेनर का जो होता है सबका 30 डेज का, लेकिन ग्रुप ट्रैक मेंटेनर को 31 डेज की सैलरी मिलती है। तो ये एक बेनिफिट्स है ट्रैक मेंटेनर के लिए। तो टोटल इन हैंड सैलरी जो आया है 33,311 रुपया टोटल इनको मिला है सैलरी। कुछ इंक्रीमेंट भी होते हैं इसमें, आगे चलकर आपको इसमें बढ़ेंगे ही, और टोटल इन हैंड सैलरी आपको लगभग, ये तो ग्रॉस पे है 33,000, लेकिन इससे 2-3 हज़ार रुपये कम ही मिलते हैं। तो आप लोग को इन हैंड सैलरी ग्रुप डी का ट्रैक मेंटेन कर 30,000 के रूप आसपास आपको मिलेंगे, क्योंकि 2 से 3 हज़ार रुपये आप कट जाते हैं कोई भी एहती वगैरह इस सब में, तो उसमें कट जाएंगे। उसके बाद आपको कम से कम 30,000 प्लस 30K+ आपको मिलेगा ग्रुप डी में जब आप ज्वाइनिंग कीजिएगा, तो इतना तो आपको मिलेगा ही इन ट्रैक मेंटेनर को। अगर अदर पोस्ट में मिलता है फिर भी उसमें भी आपको 27 से 28 हज़ार रुपये आराम से मिल जाएंगे, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और मान लेते हैं 2019 में जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो 2019 में जो फर्स्ट सैलरी इन हैंड सैलरी आप लोग को मिलेगी, तो कम से कम आप लोग को 30,000 तो मिलेगी, क्योंकि उस समय तक और भी बढ़ जाएगा इनकम आप लोग का। कम से कम तो 2022 में ज्वाइनिंग होगा, तो उस समय आप लोग का सबसे पहला इन हैंड सैलरी 30,000 रुपया मिलेगा। तो यही था, आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि क्लियर किए होंगे डाउट। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो, हमारे चैनल के साथ, ऐसे ही हर वीडियो हर डाउट आप लोग को क्लियर करेंगे। धन्यवाद।